अब हम बात करेंगे हरी झंडी साहब से। हाँ जी हरी झंडी साहब Hey Harris, how are you? जी, ठीक, क्या कहना चाहेंगे आप? तो मतलब कि आई वुड लाइक टू टेक यू टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. तो उस समय जब इंडिया पाकिस्तान की बात चल रही थी, तो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था अब्दुल कयूम अंसारी. सो ही वेहमेंटली अपोज्ड द पार्टीशन, एंड द आर्ग्यूमेंट दैट ही मेड वाज दैट द मुस्लिम लीग इज ए अपर कास्ट मुस्लिम पार्टी. सो ही ओ वॉन्ट टू एक्सपोज द कास्टिज्म दैट इज प्रेवलेंट अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया. तो ओ उनके ऊपर मैं एक आपको भेज रहा हूँ, इसका बस आप 2 मिनट चला दीजिए, इस वीडियो का फर्स्ट मैं 2 मिनट. वीडियो याद नहीं चला सकता किसी की। नहीं, ये कम्युनिटी लाइसेंस है. हाँ, फिर भी वो पता नहीं चलता था ना यार, वहाँ कहाँ अकाउंट हुआ है। इट्स मतलब कि एक दलित एक्टिविस्ट का है, तो वो लोग ज्यादा ये भी नहीं करते, क्या बोलते, कॉपीराइट भी नहीं डालते. हाँ, इट्स लेकिन मैं रिस्क नहीं ना तो लेना चाहता भी। ऑडियो चला दीजिए. तो नहीं तो बताएं उसमें है क्या। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ये क्या बोलते हैं कास्टिज्म को एक्सपोज किया था मुस्लिम्स में. इंडिपेंडेंस के पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें कि मुस्लिम लीग घर घर जाके बोल रही थी कि आप अपनी रिलीजन एज अ मुस्लिम बताएं, बट अब्दुल कयूम अंसारी वाज ऑफ द ओपिनियन कि आप अपना कास्ट बताएं, क्योंकि मुसलमानों में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है. तो आपको मालूम नहीं होगा, मैं आपको एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक भेजता हूँ इंटरव्यू, एनडीटीवी के साथ उन्होंने किया था. ओके, तो आपका आपका क्या पॉइंट है? आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है है। हाँ, और एक एक पसमांदा आंदोलन भी शुरू हुआ है, मैंने आपको भेजा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जिसमें कि उन्होंने खुद कहा है कि ही फेस्ड कास्टिज्म इन हिज विलेज. ओके, हाँ, आपके देखे ना, आपके तो पूरी एक क्लास है ना पसमांदा मुसलमान की। तो हमारे मैं जो मैं आई डोंट नो इफ यू सेइंग कि मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम इस तरह का नहीं है। नहीं, कास्टिज्म है नहीं, आपको, पाकिस्तान में इस तरह आपको का नहीं है। शायद नहीं है आपको शायद दिखता नहीं होगा, क्योंकि आप एक क्योंकि जब जब आप जब स्कूल में थे, और आपको आपको तब भी नहीं मालूम होगा कि क्रिश्चियंस के साथ पाकिस्तान प्रोसिक्यूशन होता है. नहीं, जब मुझे आपने पता देखना था, शुरू किया, नहीं मुझे पता था क्रिश्चियंस के साथ जब आप होती है स्कूल में भी परसिक्यूशन। थे, हाँ, मुझे पता था, हमें पता था अच्छी तरह से कि लेकिन क्रिश्चियंस के इसको साथ ज्यादा हमें, और अब लोग प्रोटेक्ट करते थे इंडिया में क्रिश्चियंस को। नहीं, इंडिया में मुझे बहुत बाद में पता चला कि मुस्लिम्स में कास्टिज्म है. नहीं, और अब वो उस ये तरह का नहीं है यार, वो आपकी नहीं तरह नहीं नहीं का यार। अच्छा, सुन लो। अच्छा, ओके, हरी झंडी सुन लो जरा। ओके, आई डोंट नो, आप ये आपका एक बिलीफ है ना, आपने कहना है कि हाँ भाई ये ऐसे हैं। पहली मैं आपको इसकी एक ना एक लॉजिकल मैं आपको बात समझाता हूँ। आपको बाकी मुसलमान दुनिया में आपको कोई कास्टिज्म नहीं नजर आएगा। आपको पता है जो साउथ इंडिया में उनमें रेसिज्म है कि हम अरबी हैं तो हम ऐसे करेंगे तो ये करेंगे, हम बेहतर हैं इनसे, अरबियों से, फिलिपिनियों से और बंगालियों से, वो रेसिज्म है। लेकिन कास्टिज्म उनकी अपनी कम्युनिटी के अंदर नहीं है। ओके, पाकिस्तान में कास्टिज्म के जो रेमनेंट है ना, ये वीकर वर्जन ऑफ आपकी लार्जर इंडियन सोसाइटी की वीकर फॉर्म है पाकिस्तान में। कि हाँ जी, लोग अराई हैं, वो जी उससे अराई अराइयों में शादियां करेंगे, तो बट है वो बटों में शादियां करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इंटरकास्ट शादियां भी होती हैं, और वो उनको इस तरह नहीं होता कि यार ये फलानी कास्ट से बिलोंग करता है तो इसको नीचे बिठाएंगे। वहां पे इस तरह का कहीं पे भी कोई नहीं है। हाँ, वो जो मजारे वाला जो कॉन्सेप्ट है गांव देहातों में वो है, और वो भी कास्ट के ऊपर नहीं, वो क्लास के ऊपर है। वो उन्होंने फेयर इनफ के आप यूज आर्ग्यूमेंट उसमें भी आप लोग भी देते हैं कि भाई ये कास्ट सिस्टम जो है वो के जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, एक है हमारा पॉलिटिशियन शाह महमूद कुरैशी। ओके, वो इनको गद्दी नशीन बोलते हैं, ये अपने गांव के ना ये पुश्त दर पुश्त जो है ना, ये इनको रूलिंग क्लास समझा जाता है। वो आके ऊपर बैठे होते हैं, उनके जो नीचे मजारे होते हैं वो बेचारे ना कमतर लोग होते हैं, वो भी मुसलमान ही है, लेकिन वो वैसे उनको कमी, हाँ उनको कमी बोला जाता। स्टोइक अगर इधर होते तो स्टोइक ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उनको कमी कमीन बोला जाता वो गांव वगैरह की सेटिंग में ना। वो एक और क्लास सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ, वो कास्ट के ऊपर बेस नहीं करता, वो आपकी उसी के ऊपर करता है। ये मजारे हैं, ये हमारी जमीनों पर काम करते हैं, ये बेचारे काम है तो वो आएंगे, वो नीचे बैठेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कास्ट की बेस पे ऐसा नहीं, कोई हायरार्की नहीं है आपकी पाकिस्तान में। और यही वजह है कि आपके इंडिया में भी, जहां तक ये अगेन नाउ मैं अब ये इन्फर कर रहा हूँ कॉमन सेंस से, कि आपके इंडिया में भी उनका जो लो सो कॉल्ड जो लो कास्ट है, उनका नाम पसमांदा मुस्लिम रखा हुआ है। इसका मतलब वो पसमांदा, यानी वो यू नो छोटी जात से कन्वर्ट होके आए हुए। नहीं, तो उन्होंने खुद का बिकॉज नाम ऑफ दैट, पसमांदा रखा है.
हाँ चले उन्होंने जो खुद भी का नाम पसमांदा रखा है। उन्होंने आइडेंटिफिकेशन रखी है ना कि भाई हम बेचारे कम जात के थे, हम पहले भी कम जात के थे, अब भी हम कम जात के हैं, और हमारी हमने अपनी आइडेंटिटी को रखना है बिकॉज यू नो ताकि दुनिया को हम दिखाएं कि हमारे साथ हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन रही है। तो ये इस अगर आपको कास्ट सिस्टम से शर्म जितनी आती है अच्छी बात है, आनी चाहिए। और पाकिस्तान में जो इवल्स हैं उससे ज्यादा मेरे से ज्यादा और कोई बात नहीं करता अपनी सोसाइटी के ऊपर, लेकिन इसको जो जो कास्ट सिस्टम जो ग्रेटर इंडियन सोसाइटी में या हिंदू सोसाइटी में है उसका पाकिस्तान में वैसा कोई चक्कर नहीं है। पाकिस्तान में मतलब कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी है लेकिन इंडिया में ज़रूर है। ये आपने शाहबाज आंसर को शायद आप फॉलो करते होंगे ट्विटर में, तो उनका शाहबाज आंसर आपको शायद ये देख के समझ में आ जाएगा। हाँ उनका एक होगा, हो ट्वीट सकता है है, कि होगा। वो एक एक क्या बोलते हैं एक जुलाहा है, उनका एक ट्वीट है कि इंडिया में भी मुसलमानों में बहुत कास्टिज्म है, और जो वो आंसारी है वो जुलाहा है जो कि एक वीवर कम्युनिटी है, एक वीवर कास्ट है जो पहले हिंदू से मुसलमान बनी थी। तो ये मैंने ट्विटर लिंक शेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो वो खुद कहते हैं, और जो पसमांदा एक्टिविस्ट हैं वो खुद कहते हैं कि ब्राह्मणिज्म इज जस्ट अ किड इन 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 फ्रंट ऑफ द क्या बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ द मुस्लिम कास्टिज्म। ये उसका रिप्लाई है, ये उसके ऊपर वाले में शाहबाज आंसर ने किया है। ये कहने की बात होती है ना ये कहने की कि बात नहीं, ब्राह्मणिज्म ये एक्चुअली में है। नहीं एक्चुअली में, हाँ, ठीक है, आपने तो कहना है ना कि एक्चुअली में है। ये तो वैसे होता है ना कि अगर मैं आपको बताऊं जी, आपको तो पता ही नहीं है रेसिज्म क्या, हमारे रेसिज्म तो बहुत ज्यादा। ये एक बात करने का तरीका होता जो इसका बानी है, इस कास्टिज्म का जो पूरा इशू है वो तो है ही आपकी सनातन धर्म। तो ये हाँ कह है, देना कि ये उससे भी ज्यादा है यहाँ पे, ऐसा तो हो ही नहीं, ये तो अक्ल के नहीं, खिलाफ ये है। है नहीं ऐसा सुन लो ना क्योंकि यार। अच्छा यार, ओके, नहीं, आपने ओके आ गया मुझे, ओके आपको मैं कॉमन सेंस के ऊपर बात करूंगा, मैं आपके साथ ज्यादा बहस इस पे नहीं अब ज्यादा करूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो जिस चीज का बानी है ना, जो जिसका इन्वेंटर है, जो मौजिद है, वो उसमें उससे कम ही होगी। और आपने कहा कि इंडियन मुस्लिम्स में ये है ज्यादा, और होगी, पाकिस्तानी मुस्लिम्स में भी है कास्ट का चक्कर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो उस लेवल का नहीं है कि वो ये अछूत है, इनके साथ ये बर्तन नहीं लगता, और ये वो क्रिश्चियनों के साथ वो करते हैं, उनको वो चे का वर्ड बोलते हैं, लेकिन वो दर्जा बंदी अगर हायरार्की बनाई जाएगी ना तो उसका बड़ा छोटा पर्स। और इंडियन मुस्लिम्स में हो सकता, हो नहीं बल्कि होगा ज्यादा। वाई? बिकॉज दे आर क्लोजर टू द लार्जर हिंदू सोसाइटी, तो वहां पे तो ये होगा ज्यादा इसमें। लेकिन ये कह देना वो ब्राह्मणिज्म तो कोई चीज ही नहीं है उसके आगे, नहीं यार नहीं ये तो ये क्या बात पसमांदा है। एक्टिविस्ट खुद बोलते हैं, हाँ वो बोले क्योंकि ये ना, ब्राह्मण में जो कास्टिज्म है वो एक्सपोज्ड है, लेकिन हाँ मुस्लिम वो, क्या उन्होंने छुपा के रखा है तो वो और बढ़ हाँ रहा है। हाँ तो लेकिन अगर बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा, लेकिन आप ये तो नहीं ना कह सकते कि वो जी वो उससे भी ज्यादा, वो जी उससे भी ज्यादा। और ये सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है, वैटिकन ने बहुत बार इंडियन क्रिश्चियंस को भी पेला हुआ है कि तुम कास्टिज्म क्यों कर रहे हो, हाँ ये एक स्कूल क्योंकि का आर्टिकल है। यस यस क्योंकि ये अच्छा पॉइंट आपने दिया, बिकॉज ये कास्टिज्म का जो पूरा इशू है, क्योंकि इसका मस्जिद जो है वो आपका सनातन धर्म है, और वो फिल्टर डाउन करके मुसलमानों में भी आया, क्रिश्चियनों में भी आया। ये फिल्टर डाउन नहीं है, ये आप जानते ही नहीं होंगे शायद, नहीं मैं नहीं लेकिन जानता, मैं आपकी लॉजिक ही खराब है। ये आप ये आपकी लॉजिक ये नहीं है ऐसे ये। ये लॉजिक इस तरह है ना कि गोरे से ज्यादा काला काले से ज्यादा नफरत करता है, गोरा उतनी काले से नफरत नहीं करता। भाई गोरों की जो ब्लैक से जो रेसिज्म है वो तो हजारों साल से चलती चली आ रही है। अब अगर किसी काले को वाकई सेल्फ नफरत है तो वो अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो ये कहेगा, यार गोरे की काले से नफरत तो कुछ है ही नहीं जितनी नफरत काला काले से करता है। ये बात करने का एक तरीका वोटर होता, प्रॉक्सी का भी देर है इज ना। नो पॉइंट। चले ओके, आगे आपका पॉइंट, लेकिन आई थिंक ये ऐसे आपने ये बात करने का तरीका मेरी अकल नहीं इस बात और का। ना मैं आपको मतलब कि एक है पसमांदा एक्टिविस्ट, मैं चाहता हूँ कि आप इनको एक बार फॉलो करें ट्विटर में अगर चलो ठीक आपको। है, ओके हाँ ठीक है, ओके। ये मैंने इस पे इतना को मुझे वो मैं देख लूंगा अगर कुछ होगा उसमें, लेकिन अब मैं क्या इसके ऊपर बात करूँ। तो चले बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। नहीं, ये मैं बता, और अंबेडकर जी ने भी बहुत पेला है इस इस्लामियों को। उनका एक बुक है द वेटिंग फॉर वीजा करके, हाँ उसमें होगा, उन्होंने खुद कहा है कि बिकॉज ही वॉज फ्रॉम ए लोअर कास्ट, एक उन्होंने कहीं एक
अपर कास्ट वाले मुस्लिम्स के मोहल्ले के वेल से पानी पीला था, तो उनको बहुत गालियां पड़ी थी और बहुत जूतियां भी पड़ी थी। होगा। हाँ तो ये, हाँ तो ये होगा, मुझे इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, ये मुसलमानों में, आपके इंडिया के मुसलमानों में होगा, लेकिन उसकी आने की वजह आपकी हिंदुइज्म है। हाँ वो तो जननी है इसकी, दैट्स इस्लाम में द इसकी सोर्स। कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम इस्लाम में में नहीं, सारे लेकिन मुसलमान बराबर हैं। मैं इंडिया के बात कर रहा हूँ। हाँ वही ना, तो इंडिया मैंने जिस तरह आपने खुद ही कह दिया ना कि जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं वो भी कास्टिस्ट हैं, क्योंकि वो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी सोसाइटी के आपके अंदर एलिमेंट्स आएंगे ना, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ठीक है चले। जो 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 कन्वर्ट भी हैं वो भी हिंदू से ही हुए हैं। हाँ ऑफकोर्स वो अपने साथ कास्टिज्म भी लेके आए हैं, हाँ और उन्होंने सिर्फ अलायम कास्टिज्म नहीं यस लिया बल्कि उन्होंने सेक्टेरियनिज्म को भी ले लिया, तो और एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया कि यहाँ पे शिया सुन्नी भी है और सैयद और अजलाफ भी है, अशराफ अजलाफ भी, और ये, और और ये और हाँ वैसे। यस 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 ठीक है। हाँ ये बात सही है आपकी। चले ओके थैंक यू। हम्बल मुस्लिम आए हैं। हाँ जी हम्बल मुस्लिम, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बड़ा जी है भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठीक हो? भाई, हाँ कैसे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम में तो कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, और हर किसी को बराबर ही समझते हैं, जो भी मुसलमान हो, अद्दे से अदना, अल्लाह की नजर में सभी बराबर माने जाते हैं। कास्ट सिस्टम यस ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कुछ ये टुन्नी लोग आके आपके चैनल पे। नहीं लेकिन, नहीं लेकिन इस्लाम में नहीं है, लेकिन मुसलमानों में तो है ना कास्टिज्म। वो देखिए हिंदू के साथ रह रहे के कुछ लोगों में आ गया होगा नो डाउट, पर वो हाँ ये गलत बता है, रहा उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। कुरान हदीस में हूँ। कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा ना कि नबी ने कभी किसी से भीम की है, कोई लोअर कास्ट का था इसके लिए। हाँ ये बात ठीक है, ये तो यही मैंने भी उनको यही कहा। हाँ सब मिस इन्फॉर्मेशन कुछ लोग आके देते हैं नहीं, वो मिस आपके इन्फॉर्मेशन चैनल नहीं में। है ना यार, आप देखें उनका भी पॉइंट समझे, वो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि इस्लाम में है, उन्होंने कहा मुसलमानों में है ये, और उसी के लिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि मुसलमानों में है जो उन्होंने हिंदुओं से सीखा, लेकिन इसका इस्लाम से। यार बड़ा शोर है यार आपका, आप चले फिर बाद में आइएगा, ये लोगों के लिए इस तरह सुनना सही नहीं होता, या तो किसी खामोश जगह पे जाकर बैठ जाएगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।